बड़े इवेंट में बुरी परफॉर्मेंस, खेल कम, सियासत ज्यादा, फिटनेस पर जीरो तवज्जो, जाती पसंद नापसंद वाली तरजीह। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसमें बड़ी सर्जरी बात भी इसकी की गई थी, जरूरत को महसूस भी किया गया था और की जानी चाहिए सर्जरी, इस पर बात हो रही है। पीसीबी ने कमर कस ली है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन पीसीबी की बहुत अहम थी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट कोच नदीम गोंदल साहब भी मौजूद होंगे, जो कि लाहौर के क्रिकेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उसमें कोचिंग करते हैं। लेकिन उस्मान खान हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तरफ बढ़ेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में खेलते हैं और वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए, तो उस्मान की तरफ बढ़ते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। क्रिकेट को निचली सतह पर मजबूत बनाने और इसके साथ साथ इंटर स्कूल्स, इंटर कॉलेजेट और इंटर यूनिवर्सिटीज़ में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है, और वो बड़ा फैसला ये है कि अब स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम टूर्नामेंट्स करवाई जाएंगे, लीग्स करवाई जाएंगी। हमारे साथ कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं, कुछ क्लब क्रिकेटर्स हैं, कुछ नेट प्रैक्टिस करने के लिए नन्हे खिलाड़ी आते हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें ये फैसला कैसा लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो यार आप मुझे बताएं, आप अंडर 17 प्लेयर मुझे लग रहे हैं, आप बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, हमने आपको देखा है, तो क्या लगता है ये जो डिसीजन है पीसीबी का वो कैसा है? मस्बत इनिशिएटिव है, ये अच्छा फैसला लिया पीसीबी ने। इसकी वजह से जब टूर्नामेंट्स होंगे कॉलेज लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो हमारे पास एक बहुत वाइड ग्राउंड हो जाएगा क्रिकेटर के लिए, काफ़ी एरिया बन जाएगा हमारे पास अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। और पीसीबी के लिए इस फैसले के साथ एक बहुत ज़रूरी ये भी बात है कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की जाए। मेरे साथ एक और भी क्रिकेटर हैं, यकीनन ये बल्लेबाज हैं और मैंने इनको देखा, ये नेट्स के अंदर बड़ी धुएँदार बैटिंग कर रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे, तो अब इनसे पूछते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये जो अब स्कूल्स के अंदर टूर्नामेंट होंगे, कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट होंगे, आप उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान लेवल तक पहुंच जाओगे? जी, आप देखें कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इस टूर्नामेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिल सकता है कि हम अपने करियर को आगे परस्यू करें, और ऐसे इनिशिएटिव्स हमें एक अच्छा करियर आगे दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ नन्हे क्रिकेटर्स भी हमने देखे फील्डिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए, कुछ इन नन्हे क्रिकेटर्स से भी आपकी बात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी जो छोटी सी समझ है, जो छोटी सी अकल है, उसमें क्या स्कूल के अंदर जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो कैसा होगा? फुल कोशिश करूँगा कि अच्छा परफॉर्म करूँ, क्योंकि अगर कभी कभी अल्लाह करे कि अगर जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ मिल भी सकता है, और जब हम बड़े होते तो हम इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, इन नन्हे खिलाड़ियों की तो आपने बात सुन ली है। पीसीबी ने एक और बड़ा इकदाम भी किया है और वो ये बिल्कुल जी, देखिए नन्हे खिलाड़ियों की जहां पर उस्मान आपने बताया बड़े एक्साइटेड भी नजर आ रहे और कह रहे कि एक अपॉर्चुनिटी है जो उनके लिए आई है सामने, टैलेंट उनके अंदर है, सिर्फ प्लेटफॉर्म और मौके की बात है, वो मौके अब उनको फराहम किए जा रहे हैं जिससे वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने तो हमें तफसीलात से आगाह किया कि नन्हे खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, बट नदीम गोंदल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बात करते हैं। नदीम साहब, कल पीसीबी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इस्लाहात की बात की गई है, जिस बड़ी सर्जरी की बात की जा रही थी, अब जा रहे मामलात आगे बढ़ाए जा रहे, पूरी सूरत हाल को, नए इकदामात को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कल एक उन्होंने इनिशिएटिव दिया, बल्कि इनिशिएटिव क्या करूंगा, ये एक पुराना सिलसिला था जो टूटा हुआ था, जो दोबारा शुरू किया गया एजुकेशनल क्रिकेट को इन्वॉल्व करने का पीसीबी के साथ। अगर हम पुरानी बात करें 2003-04 की, उस वक्त स्कूल क्रिकेट पीसीबी खुद करवाता था और जितने भी आपके ये अच्छे प्लेयर हैं, उमर अकमल, कामरान अकमल, अहमद शहजाद और बाबर आजम, ये उस प्रोग्राम की प्रोडक्ट है। तो उसमें फिर एक गैप आया, तो उसके बड़े अरसे के बाद फिर रिवाइवल ऑफ स्कूल क्रिकेट ही 2015 में, जब जो नए ज़िया साहब ने स्टेप लिया और स्कूल क्रिकेट को रिवाइव किया और उसको फिर बेहतर आगे चलाना शुरू किया। फिर उसमें एक ब्रेक आया, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट ऑफ पीसीबी काफ़ी चेंज होते रहते हैं, चेयरमैन, तो वो काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं, कभी चलती हैं कभी रुक जाती हैं, ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी चीज़ों को। उसके बाद फिर थोड़ा सी चेंजिंग आई और पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, जैसे सेंट्रल पंजाब क्रिकेट की इन्वॉल्वमेंट हुई पंजाब के अंदर, दूसरी फॉर्मेट सारा चेंज हो गया, क्या पुराना आइन ख़त्म हुआ, नया आया, उसमें फिर स्कूल क्रिकेट को रिवाइव किया गया और नए स्टेप से इसे चलाया गया। 2-3 साल ये अच्छा चला, उसके बाद फिर एक ब्रेक आ गई, जिसके बाद अब ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से प्लेयर डेवलप निकलते हैं जो कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है नदीम साहब, शुक्रिया।